तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फैमिली प्रेशर. डू यू गाइस थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक? आजकल फैमिली का प्रेशर मेरे लिए एक सर पे तलवार जैसा है. एग्जैक्टली. आई थिंक लड़कियों की तो वही वाली तलवार है ना कि शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद दूसरा बच्चा. इट्स लाइक अ नॉन स्टॉप साइकिल. डू यू फील दैट? और लड़कों के ऊपर भी तो होता है ना, उनके करियर की तलवार होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. yeah. जल्दी पढ़ाई करें, जल्दी सेटल डाउन हो. एंड आई थिंक इन्हीं प्रेशर्स के बीच में जो है इंसान अपने आप को खो बैठता है. सो डेफिनेटली एवरीबडी इज गोना रिलेट टू दिस वन. बिल्कुल. अदील, आपकी एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही है, राइट? या. तो आप मुझे बताएं, आपको कहाँ से शुरू करनी है अपनी स्टोरी? शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि आफ्टर लाइक माय बर्थ, मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था. कोई इतने बड़ा नाम नहीं था, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में ही वॉज एन आर्जन वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड ही वॉज अ वोकल ट्रेनर ऑफ मिस्टर काजी वाजिद एंड सम अदर ह्यूज पर्सनैलिटीज. तो उनसे एक मुझे एक इंस्पिरेशन आती थी कि मैं उन जैसा कभी बनूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका एक ड्रीम था जो अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि वो वक्त से पहले ही, टाइम से पहले ही वो गुजर गए, कि वो मेन स्ट्रीम और काफ़ी किसी बड़े उस पर बैनर में उन्होंने काम नहीं किया. वन ऑफ माई डाइंग विशेज के मैं उनका ये ड्रीम मैं अपने उस पर पूरा करूँ, क्योंकि हमारे ऐसा है कि हमारे ख़ानदान में, ददियाल ननियाल में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उनसे कोई किसी को इनहेरिट हुआ हो या यानी कोई इंस्पिरेशन नहीं, किसी का भी वो किसी का रुझान नहीं है. तो वो हाली मुझ में ही आया. और अब इसे कह लें कि मेरी खुशकिस्मती कह लें या बुराई कह लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद, सबको ये लगता था कि शायद मैं आई एम चूजिंग द रॉन्ग वे, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इससे सही नहीं है मेरी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड, पर्सनली प्रोफेशनली. तो आपको ऐसा क्यों लगता था? क्या किसी ने कभी ऐसा कुछ बोला या कोई प्रेशर्स थे आपके ऊपर? बिकॉज आई नो लड़कों पे थोड़े डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं फैमिली की तरफ से. बिल्कुल. जाहिर सी बात है, हर पेरेंट की होता है कि भाई बच्चा जल्दी से मेच्योर हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर ऑब्वियसली काम, शादी, बीवी, बच्चे, तो वो सारी चीज़ें. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था. थोड़ा सा मैं कह लें कि मनमौजी टाइप का इंसान था मैं और हूँ, कि अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलना अपने हिसाब से. 20s में जो है आपने रियलाइज़ किया कि आपको एक डिफरेंट फील्ड में जाना है. आप क्या पढ़ रहे थे उस ज़माने में? मैं एक्चुअली BScS कर रहा था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था. अगर आप इन अ नटशेल अगर आप कहें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये मेरा फोर्टे नहीं है. मुझे ये दूसरे या ढाई साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ. तो मैं यूनिवर्सिटी में था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती थी, डांस कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट किया, थिएटर कॉम्पिटिशन्स में एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट किया, जीता भी, हारा भी इस तरह. तो उसके चक्कर में मैंने कोर्स भी अच्छे खासे फेल किए. तो घर पे क्या तो रिस्पॉन्स मिलता था जब कोर्स फेल होके आते थे और जो है डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज लेके? बहुत बहुत अलग सा था. मतलब ये था कि ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ डांट भी, डांट नहीं बल्कि मैं इसमें बताने में कोई वो नहीं है, मैं अपनी वालदा से पिटा भी हूँ इस उम्र में. तो क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, वाले साहब मेरे बाहर होते हैं, तो यहाँ पे वही हम लोगों को देख रही होती है और उनको टेंशन हो रही होती होगी कि ये तो बच्चा जो है हाथ से निकल रहा है, हाथ से निकल रहा है. तो ऑब्वियसली ऐसा होता था. अदील, आपके फादर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप था? उनकी क्या ओपिनियन थी जब आप आर्ट्स में जा रहे थे और स्कूल में जो है आपके ये रिजल्ट्स आ रहे थे कॉलेज वगैरह में? दिल करता था बाबा से कुछ चीज़ें शेयर करूं, लेकिन ऐसा है कि मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, बाहर जॉब करते हैं, ही इज़ इन मिडल ईस्ट. तो जाहिर सी बात है, एक अकेला इंसान जब फैमिली, घर वालों की बातें सब कुछ सुनता, तो एक टेंशन में भी आ जाता है कि वहाँ अकेले बैठ के, वो दूर बैठ के किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करे. एग्जैक्टली. तो थिएटर से वो थोड़ा खिलाफ थे, जबकि उनके खुद के वालिद साहब जो हैं इसी आर्ट्स में थे. बिल्कुल, मैं यही सोचता. लेकिन जब जाहिर से उन्होंने बहुत कम उम्र में, उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो मैं शायद मैं भी उसी तरह जिम्मेदारियां संभाल लूँगा और वैसी ही बैलेंस लेके चलूँगा, सब चीज़ होगा. लेकिन नहीं हो पाया था. मैं नहीं शेयर कर पाता अपना पार्ट, मैं थोड़ा सा डरता हूँ अपने बाबा से भी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने वालिद साहब से प्यार नहीं करता. सीरियस नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे दिल में एहसास नहीं था उनके लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए. तो कोर्स फेल हुआ, फिर
पार्टिसिपेशन फिर भी करता रहा, कंपटीशन में हिस्सा लेता रहा, मार खाने के बावजूद शायद लगा कि चलो कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और पता है क्या, आई थिंक कि स्पेशली हमारे माशरे में पेरेंट्स का जो अगर करियर की बात होती है स्पेशली लड़कों के लिए, तो दो ही तीन कैटेगरीज होती हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या ACCA। इसके अलावा बीच में कोई भी चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। पर्सनली, प्रोफेशनली, मेंटली बहुत इसमें इश्यूज हुए यूनिवर्सिटी लाइफ में, जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझसे नहीं हो रहा और ये करने का फ़ायदा नहीं, किस तरह करके निकाला लेकिन नहीं हुआ। और इसका एंड इसी तरह हुआ कि मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं था, फेलियर्स इतने हो गया था कि एक एक्सक्यूज़ बन गई थी कि यार नहीं कर सकता शायद मैं। और पता है जब जितना आप फेल करते हैं उतना ज़्यादा आप डिजेक्टेड होते जाते हैं। जी बिल्कुल, तो वही उसी का इफेक्ट फिर मेरी पर्सनल लाइफ में भी आया। ऑब्वियसली एक रिलेशन था मेरा यूनिवर्सिटी में, वहाँ से भी एक ये शुरुआत हुई थी हम लोगों की कि एक कैप लग गया था कि भाई 50,000 की नौकरी अगर नहीं जब तक मिलती तब तक आने की ज़रूरत नहीं है, मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ एक भाई इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी करना शुरू कर दी। तो मेरी पहली इंटर्नशिप 3,000 रुपये से थी, मैंने चलो कहीं से तो शुरुआत हो रही है। तो ये इन चीज़ों को लेके फिर हम लोग, ऐसा होता था कि हम लोग बहुत लड़ाइयाँ, बहुत डिफरेंसेस, काफ़ी क्वेश्चंस होते थे और वो सब होता था। यूँ समझ लें कि जैसे उनको ये लगता था कि शायद मैं बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है मेरा, बैलेंस नहीं है। आप बेसिकली उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि दिस कैन गो ऑन एंड वन डे यू विल मेक इट, राइट? तो वो समझी ये बात? अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझ पाई। इस चक्कर में मैं यूँ कह लें कि पढ़ाई, जॉब और थिएटर्स और सबको कन्विंस करने में आप पिस गए। मैं पिस गया। और जब डिप्रेशन का एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा एक्सट्रीम टाइम ऐसा आया कि तीन बार सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कोई एक तो टर्निंग पॉइंट हुआ होगा ना ज़िंदगी में कि आपने रियलाइज़ किया हो कि यार अब मुझे इस डिप्रेशन से निकलना है, मैं अपने आप को मज़ीद ज़ाया नहीं कर सकता इस तकलीफ़ की वजह से। एक वाक्य ऐसा है कि मैं गया हुआ था एक पिकनिक पर, तो एक बीच, मतलब ये कुंडमली जो जगह है यहाँ पर समंदर पर, उस टाइम पे मुझे ऐसा था उस समंदर को देखे कि स्काई इज़ द लिमिट, और जैसे एक समंदर है बहुत एंडलेस चल रहा है, तो तुम्हें उस समंदर की तरह बनना है, अपने आप को जैसे कहते हैं एक पानी की तरह, जैसे ब्रूस ली की बहुत अच्छी फिलॉसफी है, यू पुट वाटर इन द कप यू बिकम अ कप, यू पुट वाटर इन टू बॉटल यू बिकम अ बॉटल। तो अपने आप को फॉर्मलेस बनाओ, शेपलेस बनाओ और एक्सपेरिमेंट्स करो। फेलियर भले आए तुम्हारी लाइफ में लेकिन उनसे कुछ सीखो। तो मैं एक्चुअली क्या था, मैं अपने फेलियर्स पे मजीद उन फेलियर्स पे लगा हुआ था, उन फेलियर से हट के उससे कुछ सीख नहीं रहा था। और कप पे लिड भी बंद कर दिया था। कप पे लिड बंद कर दिया था। आई वाज लाइक लविंग माय सेल्फ टू बी डिप्रेस्ड, टू बी लाइक अपने आप को कह लें नुकसान देने में मुझे अच्छा लग रहा था, जो कि फिर किसी तरीके से फिर मैंने अपने आप को उसमें निकाला। टाइम लगा, कम अज़ कम मुझे 6 या 7 महीने लगे उससे निकलने में, या साल भर लगा मुझे होगा। मैं अभी आपकी कहानी सुन के ये सोच रही थी, अ लॉट ऑफ द अर्लियर पार्ट ऑफ योर लाइफ वाज बिकॉज आप यू नो यू वर फेलिंग इन थिंग्स यू वर नॉट पैशनेट अबाउट। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हम लोग उन्हीं कैटेगरीज में अभी तक हैं, जिसकी वजह से लड़के बहुत सारे ऐसे मेरे मतलब सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनको एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना था, एक बहुत अच्छा एक्टर बनना था, डिज़ाइनर बनना था, नहीं बन पाए। इसकी सबसे बड़ी एक हमारे एरिया में एक है, एक वो भाई साहब, अब उनका एक अपना यूनिफॉर्म की दुकान है उनकी, ही वॉज अ वेरी गुड गिटारिस्ट एंड वेरी गुड म्यूजिशियन, तो स्ट्रमिंग जैमिंग बहुत अच्छी करते थे। उनका एक ड्रीम था कि वो भाई के जिस टाइम पे ये कोक स्टूडियो की पूरी लाइनअप होती थी, वो सोचते थे कि मैं कभी इनके साथ कभी काम करूँगा। बट ये हुआ कि जब वो फैमिली बिजनेस में लगे, उन्होंने घर वालों ने उनको इतना डांटा समझाया कि भाई, तो उन्होंने अपने आप को मार दिया, अपने आप को ऐसा मारा कि बस वो अब वो उसी दुकान में मिलते हैं, दुकान से घर और घर से दुकान। वो बंदा अब आप वो इस तरह बैठा होता है कि उसको देख के नहीं लगता कभी ज़िंदगी में इसने गिटार पकड़ा था।
अब वो बंदा ऐसा दिखता ही नहीं है, सोसाइटी ने उसे जार में डाल के बंद कर दिया। बिल्कुल, अब वो बंदा जिस तरीके से जिंदा है, मैं समझता हूँ शायद वो एक जिंदा लाश है वो इंसान। तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? क्या फायदा? मैं यही चाहता था कि उसको देख के भी मैं सोचता था कि यार मुझे इस तरह नहीं जीना। एग्जैक्टली। टेल मी, इसके बाद फिर क्या हुआ नेक्स्ट? उसके बाद फिर मेरा, मैं यूँ समझे कि जब मैंने अपना पढ़ाई बहुत ही छोड़ने के मूड में था, तो थिएटर्स में उन दिनों मेरी टीम से दोस्ती हुई है। अब एक ऐसी टीम है वो कि जिनसे ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि फैमिली की तरह, तो उनके थ्रू मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला थिएटर में। उसके बाद फिर कमर्शियल थिएटर किया मैंने, मेरा पहला कमर्शियल थिएटर भी उन्हीं के साथ था, नापा में शजियामुद्दीन का। उन्होंने देखा, बड़े बड़े और सेलिब्रिटीज़ आए थे, उन्होंने देखा, बहुत पसंद किया। तो यूँ कह लें सक्सेस और जो मेरा एक पैशन था उसकी एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई 2015 से। और आपके पेरेंट्स ने जब ये देखा कि हमारे बेटे में ये टैलेंट है, तो उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी वालदा ने मेरा एक थिएटर देखा था, उसमें वो मतलब काफ़ी इमोशनल थी, काफ़ी रोई थी, और वो बड़ा मुझे उनका याद है कि मेरी फुप्पो भी आई थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी आए थे, तो दे वर लाइक के अपने दादा का नाम तुम अब वो कर रहे हो, ऐसे कहते हैं ना, रजिस्टर कर रहे हो अपने ऊपर सैयद अमजद हुसैन का नाम। तो काफ़ी एक बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट था ये मुझे, बहुत ज़्यादा था, मतलब कोई मैं बहुत यूँ कह सातवें आसमान पर था।